यानी रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री के एल गुप्ता के नेतृत्व में गुरुवार को मजदूरों ने लार्जेस में होने वाली नियुक्ति पर रेल मंत्रालय द्वारा रोक लगाने के विरोध में रेल कर्मचारियों ने स्टेशन परिसर में विरोध प्रदर्शन करते हुए काला दिवस मनाया। सभी रेलकर्मी रेलवे मजदूर यूनियन कार्यालय पर इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन करते हुए हाथों में काला झंडा लेकर प्लेटफॉर्म पर रैली निकाली। महामंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार लार्जेस जैसी योजनाओं को किन्हीं कारणों से बंद कर दिया है, इसी के विरोध में आज ये काला दिवस मनाया जा रहा है और काला दिवस के माध्यम से हम सरकार से ये मांग करते हैं कि रेल कर्मचारियों को लार्जेस जैसी सुविधाएं पूर्व में दिए जा रहे थे उन्हें वैसी ही लागू रहने दिया जाए। कार्यक्रम में कारखाना मंडल डिपो शाखा मेडिकल शाखा लेखा शाखा प्रेस शाखा मुख्यालय शाखा आउटडोर शाखा सहित विभिन्न शाखाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नरमो के महामंत्री के एल गुप्ता ने कहा रखना है। मांग ये है कि जो लार्जेस्ट स्कीम जब माननीय नीतीश जी थे 2003 में तो ये स्कीम को बैकग्राउंड ये हर एक कर्मचारी के खिलाफ का रखा जाए ये इसका बैकग्राउंड है। जब 2003 में नीतीश जी रेलवे से थे तो उन्होंने पहल किया और कहा लोको पायलट और गैंगमैन को स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद जब ममता बनर्जी आई तो उन्होंने और इलाज किया का भी नहीं, जो सेफ्टी कैटेगरी लो हर एक डिपार्टमेंट में है उनको उनमें जो 1800 ग्रेड वाले हैं इवन 1900 ग्रेड वाले सब लोग इसमें कवर अप होंगे, सब चेंज किया। और लेकिन आज अगर ये कर दिया रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से 6 सितंबर को कि इसको टर्मिनेट कर दिया गया, बल्कि बहुत जल्द जब 27 अक्टूबर 2017 से ही टर्मिनेट किया जा रहा। और लेकिन आर्डर निकला 6/9/2018 को, उसी के विरोध में पूरे हिंदुस्तान भर में ऑल इंडिया रेल फोर्स के आह्वान पर आज काला दिवस मनाया जा रहा है, काला दिवस मनाया जा रहा है। और ये मान लें ये स्टोर किया जाए, फॉरन स्टोर किया ये है।